Is it true? Give it out. Nice. हाथ ऐसे ही रहेंगे इस पोजीशन में और नीचे का क्रंच करेंगे आप पीछे की लाइन को और दबाव दिखा सकते हैं मतलब है? कितनी सेकंड रुक सकता है ताकत वही ऊपर की तरफ सो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो शोल्डर है इसका यही सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ है और इसी की वजह से ये परेशान है ये मेरे पास आया था इसका हमने MRI भी कराया और आज जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी बेटर है इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये शोल्डर जो राइट वाला आप देख रहे हैं अब इसमें सिर्फ मुझे मसल वीकनेस की निशानी दिख रही है वरना ये शोल्डर इस जगह तक आ रहा था मिड पॉइंट तक पूरा का पूरा बाहर था और थोड़ा सा दिक्कत तो इसमें भी है साफ साफ क्लियरली नज़र आ रहा है और अगर हम शोल्डर दोनों को नापें तो डिफरेंटली नजर आएगा ऊपर से नीचे तक ये बहुत सारी मसल्स विजिबल हैं ये सारी वीक हैं यानी कि शोल्डर भी इसका वीक है हैंग करेंगे पैरों में भी इसकी दिक्कत थी अगर दोनों शोल्डर को हम एक लेवल पर रखें तो आप देख सकते हैं कि राइट वाला शोल्डर ऊपर है जनरली जो भी शोल्डर वीक होता है वही ऊपर की तरफ जाता है वीकनेस की वजह से और राइट की जो मसल है ये वाली यही वीकनेस है अब इसको एक्सरसाइजेस काफी सारी करनी चाहिए जिम जाते हो अच्छा अब जाना चालू करो ठीक है तो शोल्डर्स को सामने रखना है वेट पकड़ना है मुट्ठी में और सामने की तरफ होल्ड करना जितनी देर कर सकते हो ठीक है इस और बिना रुके फिर ऊपर जाना है पहले फ्रंट और सीधा सीधा मुड वेट्स हल्के रहेंगे 1 या 2 किलो से चालू करेंगे फिर यहाँ रोकना है जितनी देर रोक सकते हो और उसके बाद में फिर ऐसे तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जब इस तरह की वीडियो देखते हैं तो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि इसको ठीक कैसे करें तो स्कोलियोसिस के लिए तो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसको इंसोल दी है अब जो बचा हुआ है वो ये शोल्डर की वीकनेस अगर आप देखो जब हमने वीडियो इस तरफ किया तो ये शोल्डर ज़्यादा बाहर है तो ये शोल्डर भी वीक है ये शोल्डर एक्चुअली अंदर की तरफ रिप्स के साथ सटा रहना चाहिए शोल्डर जब बाहर आता है तो उसको हम विंगिंग ऑफ स्कैपुलर बोलते हैं अब ये पोस्चर में भी चेंजेस अलग से नजर आ रहे हैं यहाँ पे देखिए डिपिंग नजर आ रहा है और कितनी देर रोक सकता है दिखा सकता है कितनी सेकेंड रोक सकता है ताकत से टाइट एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते हैं देख सारी मसल्स वीकनेस है कॉन्ट्रेक्शन साफ साफ नजर आ रहा है फील हो रहा है पुलअप वगैरह भी करना है और पुलअप के साथ साथ वेट जब हाथ में होंगे तो पूरा नीचे टच करें एल्बो को जितना नीचे ला सकता है हाथ ऐसे ही रहेंगे इस पोजीशन में और नीचे का क्रंच करें आप पीछे की लाइन को और दबा और दबा और दबा पीछे नहीं ले जाना और दबा ठीक है सामने रख ये देख सकते हैं और ऊपर जा टाइट करते हो तुमने बिल्कुल मसल को लूज करके नीचे ऊपर नहीं जाना हाँ अब ऊपर जा मत टाइट करते हुए ऊपर जा पूरा जा पूरा सीधा और पीछे समझ गए बीच में ये कॉन्ट्रेक्शन हमें चाहिए साथ में ये सारी मसल्स का डेवलपमेंट चाहिए तो आज की वीडियो में यही आप कुछ दिनों बाद फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि क्या बचा है और क्या इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत है थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोगों के सवाल जो मुझसे पूछते रहते थे पिछले कई सालों से 1-2 साल से जब से आपने वो वीडियो देखी थी मैंने स्पेशली वीडियो इसलिए भी बनाई है प्लस इसके रेफरेंस के लेके हम 10 दिन बाद इस वीडियो को दोबारा कंपेयर करेंगे ठीक है ओके क्रश अब मैं एडजस्टमेंट भी दिखा देता हूँ लेट जो वी आर अब टी शर्ट पहन इजी नाइस टर्न नहीं था फील हुआ नीचे वाला पैसे था तेरी उम्र 18 साल है 19 साल है 18 साल इजी उस तरह विदाउट
सीधा कितना फायदा तुझे तरह से लग रहा है? बैठने में सही लग रहा है काफी और सोते से शुरू लग रहा है इट्स बेटर गुड इज इट वर्थ कमिंग हियर यस ऑफ कोर्स फाइन इज इट चोर आ जा व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करो शेयर करो और प्रे करो कि जल्दी से ठीक हो जाए